कोर्ट के तमाम लोगों को बहुत बड़ी खुशी है कि सन ऑफ द साहिल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जो के एमओ थे पीएससी हाड़ी मरोड में, वहां पर भी बहुत शानदार टेन्योर गुजारा, बेहतरीन खिदमत अपने लोगों के लिए अंजाम दी और आखिरकार छोटी उम्र में उनको एज ए बीएमओ यहां पर तैनात किया गया और सन ऑफ द साहिल है, अच्छे तरीके से यहां के साहिल को जानते हैं, यहां के लोगों को जानते हैं और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वो यहां सुरनकोट के साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बड़ा हॉस्पिटल बनाने में बड़ा मीन्स कि यहां पर जितनी हमें कमियां हैं चाहे वो स्टाफ की हैं चाहे इसके अलावा यहां मशीनरी की है कोई भी है वो यहां पर वो हल करेंगे और वो बेहतर जानते हैं यहां नब्ज जानते हैं वो अवाम की भी और अवाम की क्या परेशानियां हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब कामयाब तरीन बीएमओ यहां से जो है वो फराइज अंजाम देंगे और यहां लोगों की खिदमत करेंगे। आज यहां पे हमारे सन ऑफ द साहिल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब जो पहले एज ए एमओ काम करते थे पीएचसी हाड़ी मरोड में, आज उन्होंने एज ए बीएमओ सुरनकोट जो है वो ज्वाइन किया है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ ब्लैक मेडिकल ऑफिसर तैनात होने पर और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एलजी इंतजामिया के जिन्होंने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया और एक हमारा सन ऑफ द साहिल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ को यहाँ पर बीएमओ बना के यहाँ पर भेजा है। इसके लिए मैं अवाम सुरनकोट को ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तमाम लोगों की तरफ से एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ अवाम सुरनकोट को कि यहाँ पर हमारे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब जो है एज ए बीएमओ ज्वाइन हुए हैं और हमें उम्मीद है यहाँ पर कि ये बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। अवाम का भी तावन जो है वो डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब से रहेगा और जिस उम्मीद से आज हम सब लोगों ने मिलकर जिसमें पीआरआईज हो, जिसमें सिविल इंतजामिया के लोग हों, जहाँ पे डीडीसी साहिबान हों, सब ने मिलकर यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ को आज यहाँ पे ज्वाइन करवाया है और हमें ये उम्मीद है कि वो अपने इस मनसब पे पूरा खरा उतरेंगे और अवाम सुरनकोट की खिदमत करेंगे। और मैं डीसी साहब को भी ये मुबारकबाद पेश करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप यहाँ पे एज ए डीसी सन ऑफ द साहिल ज्वाइन किए हुए हैं। आपके साथ एक अच्छी टीम जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि ये हेल्थ सेक्टर जो है ये आगे आने वाले दिनों में फले फूलेगा और अवाम सुरनकोट को इसका फायदा मिलेगा।